हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने जो ऑनर डिवाइस का वारंटी चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नियर बाई आप सर्विस सेंटर को पता कर सकते हैं, तो उसमें आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया था कि ये बताइए मैं किस तरीके से वारंटी चेक कर सकता हूँ अपने ऑनर के डिवाइस का। तो इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते तो हैं। देख सकते हैं ओनर 9 लाइट है, और चलिए जानते हैं किस तरीके से वारंटी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। खोलने के बाद मैंने सर्च करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, थोड़ा नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआबे का जो लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे चेक वारंटी दिखेगा आपको। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से चेक कर पाएं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अपना ईएमआई नंबर आपको निकाल लेना है। ईएमआई नंबर आपको कैसे निकलेगा मैं ये भी बता देता हूँ। इसको बैक कीजिए यहाँ से, और यहाँ पे आपको दिया गया है *#06#, आपको ये डायल करना है आपके डायल पैड में तो आपका ईएमआई नंबर आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, *#06#। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ईएमआई नंबर आ गया है। तो आपको ये ईएमआई नंबर ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, SIM 1 SIM 2 लिखा होगा, तो कोई सा भी एक कॉपी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ इसको कॉपी करके, या फिर आप इसको एक डायल करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, और इस वाले ऑप्शंस पे जो ये रहा हुआ अभी का, इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसको नोट पैड पर पहले कॉपी किया है वहाँ से डायल करके, और उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा मिलेगा, तो कैप्चा फिल करना है। आप देख सकते हैं TM बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे T लिख देता हूँ और यहाँ पे बड़े लेटर में M लिखना है। उसके बाद H छोटे लेटर में है, उसके बाद M बड़े लेटर में है, हमने ये लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से सर्च कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे वारंटी आपको दिखने लग जाता है। आप देख सकते हैं 2020/6/30 तक हमारा वारंटी है अवेलेबल, और यहाँ से आप सर्विस सेंटर वगैरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो वारंटी के साथ साथ आप सर्विस सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपका जो आप बात करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे अपना सर्विस सेंटर को फाइंड कर सकते हैं, यहाँ नीचे में आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सर्विस सेंटर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, इसी के नीचे दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, तो स्टेट अपना देख लीजिए, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जो भी आपका। मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है, दिल्ली दिल्ली कर लिया, और उसके बाद मेरा दोनों ही दिल्ली है, तो यहाँ से मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो मेरा एड्रेस आ चुका है, मेरे आसपास के हैं सारे, जहाँ पे मैं जा करके अपना चेक करवा सकता हूँ। अपने फ़ोन का वारंटी के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं। इनके हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जो इनके सर्विस सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है, तो इसी तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, और आपका भी कोई सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप भी चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और #InfoTalkOnline के आप मुझे टैग कर सकते हैं ट्विटर पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ से भी आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका सलूशन कुछ है क्या। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।